ये मेरा स्ट्रीम, और आज मैं अपने स्ट्रीम के मिरर को चेंज करूँगा। ये मिरर काफ़ी अच्छा है, बट अभी ये चलने लायक नहीं बचा है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ चुका है, और वाइब्रेशन के वजह से गाड़ी चलाते समय पीछे वाला कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी इतना वाइब्रेट करेगा कि पीछे क्या आ रहा है, टू व्हीलर आ रहा है कि फोर व्हीलर आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में मिरर को रखना उचित नहीं है। देखिए, हमने कुछ इंतजाम किया था, बट देखिए सक्सेस नहीं हुआ। हार्ड करने के लिए हमने थोड़ा सा दबाया उसको, सक्सेस हुआ बट वाइब्रेशन कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से हमें लगा कि नहीं, इसे चेंज करना ही सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दोबारा हमने इस मिरर को लगाने के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि इस मिरर में हर चीज़ जो है एकदम फिक्स है। ठीक है, कहीं पे कुछ आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं है करने का। तो इस मिरर को हमने लगाने के लिए भी नहीं सोचा है। अभी जो हम मिरर लगाएंगे वो अलग मिरर लगाएंगे, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा एडजस्टेबल रहता है, उसको लगाएंगे। देखना तुरंत पता तो चल सबसे जाएगा। पहले मिरर को हम निकालेंगे। मिरर को निकालने के लिए इस वाले नट को ओपन करना है। ओपन कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, क्लॉकवाइज ओपन करना है इसको। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, इसमें जो है 14 नंबर का रिंच लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से लूज करना है। हम तो एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक हाथ से काम कर रहे हैं, तो उतना अच्छा हम नहीं बता पा रहे। देखिए, ठीक है, देखिए किस टाइप से लूज हो रहा है, किस टाइप से टाइट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। देखिए, जिस टाइप से लू अगर मैं लूज होता है इसमें, उस टाइप से टाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, मिरर में ऐसे उल्टा रहता है, और इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मिरर को बाहर निकाल लेना है। एकदम इजीली हो जाएगा, खुद से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्लॉक वाइज करके निकालना दोस्तों, सॉरी हम भी मिस्टेक कर गए। क्लॉक वाइज करके निकालना, एंटी क्लॉक वाइज में टाइट होगा, क्लॉक वाइज में लूज होगा, तो क्लॉक वाइज करके निकाल लेना है। ये देखिए, हमने प्लास से उसको दबाया था कि टाइट हो जाएगा, थोड़ा वाइब्रेशन कम होगा, लेकिन सही नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी मिरर में कहीं दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, हम हीरो का जेन्यून मिरर लगाएंगे। अच्छा खासा इसका कॉस्टिंग है दोस्तों, 255 रुपये इसका MRP है, और MRP पे ही मिला है, कोई डिस्काउंट इस पे नहीं मिला है। तो इसे हम बाहर निकालते हैं और देखिए इसका क्वालिटी, 255 रुपये में क्या क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं। ये देख लो कि क्वालिटी बढ़िया है। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें ये स्क्रू जो दिया गया है, इसके थ्रू आप इसे लूज और टाइट कर सकते हैं। अगर चलते चलते ये लूज हो जाता है तो उसको आप इसके थ्रू टाइट कर देते हैं, जैसे स्क्रू के थ्रू आप टाइट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसी वजह से मैं स्टॉक वाला नहीं लगा रहा हूँ। और स्टॉक वाले का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम का ओरिजिनल मिरर का प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये है ग्लैमर का मिरर, तो हम इसे ही लगाएंगे। और इसमें भी दो क्वालिटी आता है, एक तो हीरो का आता है, दूसरा आफ्टर मार्केट से आप लीजिएगा कोई भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का शॉप से, तो वहाँ पे आपको 150 रुपये पीस पड़ेगा, तीन सौ रुपये में दो पीस हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का। तो देखिए, इस तरीके से टाइट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, ये टाइट होता जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग पीछे की तरफ देख करके सेट करके फिर पूरा अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए, कितना हाइट पे रखना चाहिए। और पीछे ऐसा एंगल में बैठा कर रखिए कि पीछे का जो व्यू है एकदम क्लियर आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइट कर लीजिए बढ़िया से, और फिर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, 14 mm का इसमें रेंच लगता है। ओके, तो लगभग हमने सारा चीज़ बता दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें
इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा लग रहा है, और देखते हैं कैसा चलता है इसका। अगर कौन सी चीज? स्टॉक वाला लगाते हैं तो बहुत कॉस्टली है, और फिर वो ख़राब भी हो जाता है, लूज़ हो जाने के बाद फिर वो बेकार हो जाता है। लेकिन ये इतना जल्दी बेकार नहीं होने वाला है, लूज़ होगा, इसको टाइट करके फिर से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखिए कितना क्लियर दिख रहा है अभी, आगे पीछे भी एकदम क्लियर है, एकदम शाइनी लुक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।